ये नामांकन पत्र नहीं, ये देश की आज़ादी के लिए 75 वर्षों बाद दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि कोई थर्ड जेंडर कम्युनिटी से नामांकन कर रहा है। ये आज़ादी दिवस है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की खूबसूरती है कि आज हम जैसे लोग भी नामांकन करके और देश के सबसे बड़े सदन के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो अधिकारी भेदभाव की नीति से काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि देश के किसी भी जेंडर के साथ ना धर्म ना लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। मुझे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी, हाई कोर्ट ने मुझे सुरक्षा दी थी, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायालय ने मुझको सुरक्षा दी, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास मुझे देने के लिए सुरक्षा नहीं है। और आज जिनको ये लोग नंगा समझते थे, जिन लोगों को ये सोचते थे कि ये कभी उठ नहीं सकते, आज उन्हें ये देखना चाहिए कि आज हम लोग उठ रहे हैं। यही भारत जिंदाबाद है, यही देश जिंदाबाद है। भारत माता हमारी माँ है और हम लोग सबके लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए, दुखियारियों के लिए, माओं के लिए। और जब तक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर आयोग की स्थापना नहीं हो जाती, हम लोग इसका लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज से इस सुनहरे ऐतिहासिक पल की शुरुआत हो चुकी है। मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं कि आज सबसे पहले इस देश में जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, सबसे पहले थर्ड जेंडर के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, माता बुजुर्गों को हमारे अच्छी पेंशन दी जाए और स्पष्ट रूप से किसी से भेदभाव ना किया जाए। जात धर्म लिंग के नाम पर भेदभाव करने वाले लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा सबक है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद मेरे जैसा भी एक आदमी आ रहा है और दिल्ली से देश के सबसे बड़े सदन के लिए हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं।